फ्रेंड्स ये स्टूडेंट कॉपी है, यानी ये सवाल सबसे पहले आपको खुद को करने हैं, आपको पूरी ट्राई करनी है, अपना पूरा प्रयत्न करना है। आफ्टर दिस अगर आपसे नहीं होते तो वीडियो सॉल्यूशन देखना है। तो स्टूडेंट कॉपी का फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 बी टू वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर व्हिच द एक्सप्रेशन दिस बिकम्स ए परफेक्ट स्क्वायर। कहने का मतलब ये एक्सप्रेशन एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए तो उसके रूट्स क्या होंगे, लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो परफेक्ट स्क्वायर कब बनेगा, जब डी इक्वल टू क्या होगा, जीरो। डी इक्वल टू जीरो होगा तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, उसकी वैल्यू किस वैल्यू पे ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2। तो इसके टू रूट्स हो गए लैम्डा 1 एंड सेकंड रूट्स हो गया लैम्डा 2। अब आप इसका डी लिखे, डी क्या हुआ, बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर हुआ 2 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये माइनस 4a एंड c की वैल्यू होगी लैम्डा माइनस 3/4। लैम्डा माइनस 3/4 इज इक्वल टू 0। तो फ्रेंड्स इसका स्क्वायर करा अपने, तो लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 लैम्डा एंड ये हो गया माइनस 4 लैम्डा, माइनस 4 गया, ये प्लस का हो गया 3 इज इक्वल टू 0। यानी लैम्डा स्क्वायर माइनस 8 लैम्डा प्लस 7 इज इक्वल टू 0। फ्रेंड्स इसके पर फैक्टराइजेशन करते हैं तो लैम्डा माइनस 7 एंड लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आता है। तो लैम्डा इज इक्वल टू 7 एंड 1, तो एक तो लैम्डा 1 हो गया, एक लैम्डा 2 हो गया। तो इन दोनों का स्क्वेयरिंग करके सम करना है तो क्या होगा, 7 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 50। ये आंसर हो गया अपना 49 प्लस 1। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन अपना कंप्लीट है, नोट डाउन करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना हो गया फ्रेंड्स, अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है, इफ ई लैम्डा एंड ई माइनस लैम्डा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस एंड ए बी लैम्डा एलिमेंट ऑफ आर लैम्डा नॉट इक्वल टू 0, देन लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ बी। तो अपने को बी की लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ई लैम्डा एंड ई माइनस लैम्डा इसके रूट्स दे रखे हैं। तो अपन सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखते हैं, ठीक है। सम ऑफ रूट्स लिखा अपन ने, तो ई लैम्डा प्लस ई माइनस लैम्डा इज इक्वल टू क्या मिला, सम ऑफ रूट्स में मुझे मिला माइनस बी अपॉन ए, यानी ए प्लस बी अपॉन 3। सेकेंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखना है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखा ई लैम्डा डॉट ई माइनस लैम्डा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, यानी 2a/3। ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया। यहां पे बेस सेम है तो पावर 8 होगी, तो ई रेज टू दी पावर 0 बन जाएगा, यानी वैल्यू बन जाएगी 1 इज इक्वल टू 2a/3। यहां से मिलेगा a इज इक्वल टू 3/2, a इज इक्वल टू मुझे मिलेगा 3/2, ठीक है। अगेन आगे चलते हैं अपन किस पे, इस वाले पे अपन चलते हैं, इस वाले पे इसको वापस नीचे लाते हैं यहां पे। तो क्या होगा, a प्लस, अब देखो ये है x प्लस 1/x फॉर्म, ये मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं और अब दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं। x प्लस 1/x ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इफ x ग्रेटर देन 0, ये कंसेप्ट होता है। इसका मतलब e लैम्डा पॉजिटिव है, प्लस 1 अपॉन e लैम्डा ये भी पॉजिटिव है और x प्लस 1/x की फॉर्मेट में है। तो a प्लस बी बाई 3 इसकी वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 2 होगी, ग्रेटर देन 2 होगी। तो यहां पे क्या होगा फ्रेंड्स, a प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 6, यानी b ग्रेटर देन इक्वल टू 6 माइनस 3/2, है ना। तो ये हो गया 12, यानी 9/2, यानी 4.5। तो b ग्रेटर देन इक्वल टू 4.5, तो b की लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू क्या होगी, यहां से b की लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू होगी b इज इक्वल टू 5, ये b की लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू होगी। तो इसको नोट डाउन करें फ्रेंड्स। थर्ड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपन, px इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड क्यू एक्स इज इक्वल टू माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस सी वेयर एस सी नॉट इक्वल टू 0, देन px डॉट क्यू एक्स इज इक्वल टू 0 हैज, फर्स्ट ऑप्शन है एक्जेक्टली 1 रियल रूट, सेकेंड ऑप्शन है एटलीस्ट 2 रियल रूट, थर्ड ऑप्शन है एक्जेक्टली 3 रियल रूट एंड फोर्थ ऑप्शन है आर 4 आर रियल रूट्स। तो फ्रेंड्स इसमें क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको मैं ऊपर लेता हूं और यहां पे px डॉट qx दे रखा, चलो इसको px डॉट qx फॉर्मेट में ही लिखते हैं अपन, इज इक्वल टू 0। px क्या है, px है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डॉट qx है अपना माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहां देखिए फ्रेंड्स, इसका फ्रेंड्स टेक्निकल एरर थी,
D1 क्या होगा यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी था एंड D2 क्या होगा D2 होगा डी स्क्वायर प्लस फोर ए सी ये फ्रेंड्स बना। अब अपन को कंडीशन दे रखी है एसी नॉट इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू जीरो दे रखा है एसी नॉट इक्वल टू जीरो। एसी नॉट इक्वल टू जीरो मीन्स एसी या तो पॉजिटिव होगा या एसी क्या होगा नेगेटिव होगा। फ्रेंड्स मैं एसी को पॉजिटिव लेता हूं सपोज कंडीशन फर्स्ट लेते हैं अपन एसी पॉजिटिव लेते हैं। अगर एसी को पॉजिटिव लू तो D1 क्या होगा D1 होगा एसी को पॉजिटिव लेने पे बी स्क्वायर माइनस फोर एसी ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। मैं D1 के बारे में कांट से पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है एंड D2 क्या होगा एसी पॉजिटिव डी स्क्वायर पॉजिटिव तो D2 क्या होगा पॉजिटिव। D2 पॉजिटिव होगा इसका मतलब इस इक्वेशन के कितने रूट्स निकलेंगे अगर ये पॉजिटिव है तो इसके रूट्स कितने होंगे 2। अगर ये नेगेटिव तो इसके रूट्स कुछ भी नहीं तो कंफर्मली कुछ नहीं कह सकते पर इसके बारे में कंफर्म कह सकते हैं कि इस कंडीशन में D2 पॉजिटिव होगा तो यहां से कम एटलीस्ट 2 रियल रूट्स आएंगे एटलीस्ट 2 रियल रूट्स। आप कहोगे सर ऐसा क्यों एटलीस्ट क्यों लिखा क्योंकि 2 रूट्स यहां से भी आ सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं लेकिन यहां से कंफर्मली एटलीस्ट 2 रियल रूट आ रहे हैं आपके पास। सेकेंड कंडीशन नेगेटिव लेते तो D1 के बारे में देखते हैं पॉजिटिव है एसी नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव तो ये ओवरऑल पूरा क्या हो गया पॉजिटिव एंड D2 के बारे में सोचें डी स्क्वायर पॉजिटिव एसी नेगेटिव कंफर्मली कुछ भी नहीं कह सकते पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है तो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है तो सेकेंड कंडीशन में ये वाला अपने को कितने रूट्स देगा एटलीस्ट 2 रियल रूट्स देगा लेकिन जो D2 है उसकी कोई गारंटी नहीं है 2 रूट्स दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है नेगेटिव होने पर नहीं देगा पॉजिटिव होने पर देगा तो इस कंडीशन में भी आपको एटलीस्ट 2 रियल रूट्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे तो अपना कौन सा ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी एटलीस्ट 2 रियल रूट्स तो ऑप्शन बी अपना करेक्ट है ये आंसर होगा। स्टूडेंट कॉपी के फर्स्ट अपनी कंप्लीट हुई फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं नोट डाउन करें।